दुमका में सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण कार्यक्रम, विधायक बसंत सोरेन रहे मुख्य अतिथि, लाभुकों को बांटी गई साड़ी धोती और लुंगी। कैमूर जिले के 14 पंचायतों में कुल 174 बूथों पर मतगणना, 24 सितंबर को हुआ था मतदान, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 12 चेक नाका बनाए गए। पंचायत चुनाव को लेकर नालंदा प्रशासन एक्टिव, सदर डीएसपी सिल्वी नवानी ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक, सोसराय और लहरी थाना के 125 पदाधिकारी रहे मौजूद। मुजफ्फरनगर में महत मनिहारी में 5 साल बाद भी नहीं पहुंचा नल का पानी, नीतीश सरकार की योजना के तहत हर घर पानी का रखा लक्ष्य, सिर्फ कागज पर ही काम पूरा। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। मसलिया प्रखंड कार्यालय परिसर में सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत कार्यक्रम में आयोजित करके सुयोग लाभुकों के बीच साड़ी धोती लुंगी का वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक बसंत सोरेन द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम योग लाभुकों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना आपकी इसी सरकार की शुरू की गई योजना है। सरकार ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिना वस्त्र के रह रहे लोगों के दर्द को समझते हुए इस योजना को फिर से शुरू किया है। हर गरीब के तन पर वस्त्र रहें और वो भूखे नहीं रहें, इसी संकल्प के साथ आपकी सरकार कार्य कर रही है। सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर लाभुकों को साड़ी और धोती वितरित की गई है। मसलिया प्रखंड कार्यालय परिसर में सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें लाभुकों के बीच साड़ी धोती लुंगी का वितरण किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक बसंत सोरेन द्वारा आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम योग लाभुकों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना आपकी इसी सरकार की शुरू की गई योजना है। सरकार ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिना वस्त्र के रह रहे लोगों के दर्द को समझा है, तभी इस योजना की शुरुआत की गई है। फिर से हर गरीब के तन पर वस्त्र रहे और वो भूखे नहीं सोए, इसी संकल्प के साथ आपकी सरकार काम कर रही है। कि कोई जींस पहना है, कोई फुल पैंट पहना है, कोई टी शर्ट पहना है, कोई शर्ट पहना है, ठीक है चल रहा, लेकिन सुदूर गांव में जब हम लोग घुसते हैं, एक एक आदमी से मिलने का काम करते हैं, तब हकीकत हम लोगों को देखने को मिलता है, जानने को मिलता है कि कहां इंदिरा आवास है, किसको मिला है, किसको पेंशन नहीं मिला है, ये गांव में बैठने के बाद, घुसने के बाद देखने को मिलता है। और वही देखने को मिलता है कि बड़ा बुजुर्ग, मां हो या बहन हो, पिताजी है या दादाजी है, तो बहुतों के तन पे कपड़ा नहीं होता है। कवि गुरु एक्सप्रेस का ठहराव शनिवार से नोनी हाट में शुरू हो गया है। आपको बताते चलें, स्टेशन पर शुरू हो गया है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, डुमका के सांसद सुनील सोरेन, पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा और अपर रेल मंडल प्रबंधक यतेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से कवि गुरु एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस ट्रेन के नोनीहाट में ठहराव से श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी, बासुकीनाथ की धरती पर ट्रेन श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाएगी।
कवि गुरु एक्सप्रेस का ठहराव शनिवार से नोनीहाट स्टेशन पर शुरू हो गया है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, दुमका के सांसद सुनील सुरेन, पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा और अपर रेल मंडल प्रबंधक यतेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से कवि गुरु एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस ट्रेन के नोनीहाट में ठहराव से श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। बासुकीनाथ की धरती पर ट्रेन श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाएगी। किस घंटा भागलपुर में खड़ी रहती है, अगर वहाँ से मेंटेनेंस करके उसको दुमका से चलाया जाए। दूसरा हमारा जो है हम सफ़र जो गोड्डा जाती है उसको एक्सटेंशन जो है दुमका से कराया जाए, और जैसे गोवा हो गया, पुणे गोवा हो गया, उसको भी दुमका से चलाया जाए। तो चूंकि ये झारखंड का उपराजधानी है और जो भी ट्रेन हमारी स्वीकृति हुई है जैसे बैद्यनाथ इंटरसिटी और मयूराक्षी वो अभी तक चल नहीं पाई है। मोदी सरकार में मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी रालोसपा का जेडीयू में विलय कराने के बाद नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार यात्रा पर हैं। इसी कड़ी में दौरे के आखिरी चरण में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के गृह जिला नालंदा पहुंचे। इस दौरान जेडीयू के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जेडीयू समर्थकों ने सबसे पहले कुशवाहा को तराजू पर सिक्कों से तौला, उसके बाद सोनू कुशवाहा नाम के जेडीयू कार्यकर्ता ने उनको सोने का मुकुट पहनाया है। बात सिर्फ यही नहीं खत्म हो जाती, स्वागत कार्यक्रम में नालंदा के तमाम बड़े जेडीयू नेताओं की उपस्थिति भी उपेंद्र कुशवाहा के बढ़ते कद का बड़ा इशारा करती रही, जबकि नालंदा को आरसीपी सिंह का गढ़ माना जाता है। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम जेडीयू को मजबूत बनाकर अपने प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी जनाधार बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं और आप सबके सहयोग के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आरसीपी के गढ़ में उपेंद्र कुशवाहा का जलवा देखने को मिला। तस्वीरें आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत किया है। पहले उनको सिक्कों से तौला जाता और उसके बाद सोने का मुकुट पहनाया जाता है। आरसीपी के गढ़ में उपेंद्र कुशवाहा का जलवा देखने को मिला है, जोरदार स्वागत किया है कार्यकर्ताओं ने। दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है उपेंद्र कुशवाहा का। और इस स्वागत के बाद उपेंद्र कुशवाहा गदगद नजर आए हैं, खुशी का माहौल देखने को साफ तौर पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत हुआ है। सिक्कों से उन्हें तौला गया और उसके बाद सोने का मुकुट पहनाया गया है। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अरुण कुमार अरोड़ा ने दुमका आगमन पर कहा कि पहली बार दुमका आने का अवसर मिला है। रेलवे स्टेशन काफी अच्छा है और हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है। अभी 30,000 लोगों का आना जाना होता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ संसाधन है उस हिसाब से यात्रियों की संख्या 60,000 होनी चाहिए। रेलवे ने स्टेशन को विकसित करने की प्लानिंग तैयार कर ली है। आपको बताते चले कि पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अरुण कुमार अरोड़ा ने ये बातें शनिवार को अपने दुमका आगमन पर कही थी। महाप्रबंधक ने स्टेशन परिसर में आरपीएफ थाना और बैरक का उद्घाटन किया, साथ ही साथ कोयला साइडिंग का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि थाना और बैरक बहुत सुंदर बना है, जवानों को अब किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्रों में अभी बहुत सारा काम करना बाकी है जिसका प्रयास चल रहा है। अभी एनजीटी से कुछ अनुमति मिलनी है बाकी है। उन्होंने दुमका सांसद सुनील सुरेन से अनुरोध किया है कि वो अनुमति दिलाने में सहयोग करें। अनुमति मिलने के बाद लोडिंग का काम शुरू हो जाएगा जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा और रेलवे की आमदनी भी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि सांसद को एक मांग पत्र सौंपा गया है, जो मांग उसके स्तर से पूरी होने वाली है उसे पूरा कर दिया जाएगा, जो मांग उसके स्तर से पूरी नहीं होने वाली है उसे बोर्ड के पास भेज दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन के विकास के लिए प्लानिंग की जा रही है, आरपीएफ थाना व बैरक का उद्घाटन भी किया गया है। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अरुण कुमार अरोड़ा ने दुमका आगमन पर पहली बार दुमका आने का अवसर मिला है और रेलवे स्टेशन काफी अच्छा है, साथ ही साथ हर तरीके की सुविधाएं इस स्टेशन में उपलब्ध है।
तारीफ करते हुए महाप्रबंधक अरुण कुमार अरोड़ा ने ये बातें कही हैं। फुटफॉल सिर्फ 30,000 की है, पर आने वाले समय में ये बढ़ेगी। अभी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 30,000 नहीं, कम से कम 60,000 लोगों तक की फुटफॉल को कैटर कर सकता है। डिवीजन आसनसोल हमारी और हमारे DRM साहब और उनके ब्रांच ऑफिसर बड़े प्रोएक्टिव हैं और इन्होंने सब प्लानिंग कर रखी है और धीरे धीरे करके इसका और विकास होगा। जो मैंने तो क्या इनॉग्रेट किया, हमारे PCSC साहब ने इनॉग्रेट करी, नया जो है पुली RPF का पोस्ट था, बहुत सुंदर पोस्ट बना है। छपरा सोनपुर रेलवे माइक्रोवेव कॉलोनी में पिछले दिनों एक रेल महिला की हत्या का आरोपी पकड़ा गया है। पुलिस पदाधिकारी द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद महिला सुनैना देवी की हत्या करने की बात आरोपी ने कबूल ली है। इस हत्या को अंजाम कुल 4 युवकों ने मिलकर दिया था। हत्या के बाद हत्यारा मृतका को रेलवे क्वार्टर से उसके आभूषण एवं अन्य सामानों को भी चुरा कर भाग गया था। पुलिस ने वो सामान बरामद कर लिया है। सोनपुर ASP अंजनी कुमार ने पत्रकारों को बताया कि सुनैना देवी विधवा अपने पति की मृत्यु के बाद अनुकमा के आधार पर रेलवे में नौकरी करती थी। गिरफ्तार धीरज कुमार उस महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा रहा था। धीरज ने एक षड्यंत्र के तहत अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर सुनैना की हत्या करने की योजना बनाई। हत्या के एक दिन पूर्व वह बनारस चला गया था और इधर उसके इशारे पर उसके तीनों दोस्तों ने 18 सितंबर को रात महिला के रेल क्वार्टर में घुसकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। एडिशनल SP अंजनी कुमार ने यह बताया कि इस कांड में संलिप्त सभी अभियुक्त जल्द ही पकड़े जाएंगे। महिला रेल कर्मचारी का हत्यारा गिरफ्तार हो गया है। दोस्तों के साथ प्रेमी ने मिलकर ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। 4 लोगों ने मिलकर के महिला की हत्या की। माइक्रोवेव कॉलोनी रेलवे स्टाफ जो कॉलोनी है उसमें एक सुनैना देवी मृत अवस्था अपने घर में पाई गई थी। प्रथम दिशा देखने से लग रहा था कि उसका बहुत निशंस हत्या किसी के द्वारा किया गया है। इस संबंध में तकनीकी साक्ष्य अनुसंधानकर्ता द्वारा जुटाया गया तो साक्ष्य जुटाने पर ही पता चला कि कुछ नंबर जो है संदिग्ध अवस्था में गायब पाए गए, उसके ऊपर ट्रेस किया गया। उसी में एक गिरफ्तारी, एक नंबर की गिरफ्तारी हुई है, सुमित कुमार उर्फ चुन्नू उर्फ धीरज कैमूर जिले के 14 पंचायतों में कुल 174 बूथों पर 24 सितंबर को मतदान हुआ था, जिसका मतगणना आज मोनिया प्रखंड के बाजार समिति दंडवा से चल रहा है। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 12 चेक नाका बनाया गया है, जहां सुरक्षा बल के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद हैं। मतगणना केंद्र वाले सड़क पर सभी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। सिर्फ प्रशासनिक गाड़ियां ही दौड़ेंगी। मतगणना केंद्र के अंदर प्रत्याशी और एक एजेंट जाने की सिर्फ अनुमति दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरीके से वर्जित है। मतगणना के लिए 5 हॉल बनाए गए हैं। सभी हॉल में 15 टेबल पर काउंटिंग की जा रही है। जानकारी देते हुए कैमूर GM नवदीप शुक्ला ने बताया कि शांतिपूर्वक मतगणना चल रही है। मतगणना का रिजल्ट जैसे आज आ रहा है, RO संतुष्ट होने के बाद रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और शांतिपूर्वक मतगणना हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक के सामान को पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया और किसी भी प्रकार से कोई गाड़ियां यहां नहीं आ सकती हैं, सिर्फ प्रशासनिक गाड़ियों ही यहां पर आ सकती हैं। पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और जांच पड़ताल की जा रही है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर बिहार थाना परिसर में सदर DSP सिबली नोमानी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें प्रशिक्षित किया। बैठक में बिहार सोसराय और लहेरी थाना के 125 पदाधिकारी शामिल हुए। DSP ने बताया कि पंचायत चुनाव भयमुक्त माहौल में संपन्न होगा, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। चुनाव के दौरान इलाके में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। SP के निर्देश पर पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करते हुए उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए हैं। चुनाव आचार संहिता के साथ कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करना अनिवार्य है। पंचायत चुनाव को लेकर के प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जिसको
लेकर के बैठक का आयोजन किया गया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। पंचायत चुनाव के मद्देनजर बिहार थाना परिसर में सदर डीएसपी सिबली नोमानी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें प्रशिक्षित किया है। बैठक में बिहार सोसराय और लहरी थाना के 125 पदाधिकारी शामिल हुए हैं। डीएसपी ने बताया कि पंचायत चुनाव भयमुक्त माहौल में संपन्न होगा और साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। चुनाव के दौरान इलाके में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। एसपी के निर्देश पर पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जिले भर में रविवार से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। उपायुक्त श्री वरुण रंजन ने पुराने सदर अस्पताल परिसर में बच्चों को पोलियो खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। 189,256 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य है। इस दौरान मौके पर उप विकास आयुक्त श्री अनमोल कुमार सिंह आदि उपस्थित थे। उपायुक्त ने जिले के विभिन्न बूथों में दौरा करके पोलियो खुराक पिलाने संबंधित विशेष जानकारी लिए, साथ ही साथ बूथों के कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। शून्य से लेकर 5 वर्ष के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई है। 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं आपको बताते चले 189,256 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले भर में रविवार से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है, यानी कि आज से इस अभियान की शुरुआत हुई है। उपायुक्त श्री वरुण रंजन ने पुराने सदर अस्पताल परिसर में बच्चों को पोलियो खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की और इस अभियान में 189,256 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, ये लक्ष्य रखा गया है। मुजफ्फरपुर में महत मनिहारी पंचायत में 5 साल बीत जाने के बाद भी नल का पानी नहीं पहुंचा है। राज्य सरकार के नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के तहत हर घर तक पानी को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक ये योजना महज लूट खसोट की योजना बनकर रह गई है। यानी कि कागजों में तो योजना पूरी हो चुकी है, लेकिन लोगों को नल का पानी नसीब नहीं हो रहा है। 7 निश्चय के तहत नल जल योजना में गांव से लेकर शहर तक हर वार्डों में जल मीनार का निर्माण करवाना था और वहां से घर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाना था, लेकिन अब तक तो सिर्फ कागज पर ही देखने को मिल रहा है। हालांकि ये योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तस्वीरें खुद आपको बता रही हैं कि किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है और इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी तक लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ टंकी से पाइपलाइन कटी हुई है, वैसे ही जमीन में डालकर छोड़ दिया गया है, यानी कि सही तरीके से अभी पाइपलाइन भी नहीं डाली गई है, तो लोगों को पानी कैसे नसीब होगा। तो वहीं पाइप ऊपर कटा हुआ नजर आ रहा है, कई जगह पर पाइप उखड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, बहुत सारी जगह पर नल भी नहीं लगे हुए हैं, यानी कि हर तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। और तस्वीरों को आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से कामकाज किया गया है, कहीं पाइप उखड़ा गया है तो कहीं अधूरा काम छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर हम कागजों की बात करते हैं तो कागजों में ये योजना को पूरी तरीके से पूरा करके दिखाया गया है। भले लोगों को पानी नसीब ना हो, लेकिन अधिकारी खुश हैं क्योंकि कागजों में काम पूरा हो चुका है, यानी ये योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। मुखिया हो चाहिए कि व्यक्तिगत, मेरा काम ना पूरे समाज को काम करे, ऐसा मुखिया हो तो हम उसके लिए थर सिवाय अपना कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इस भी हालत में फिर आगे आई वर्तमान मुखिया, उनके द्वारा क्या क्या अभी तक हमारे पास उनके द्वारा आज तक यानी किरासन तेल भी नहीं दिया गया, कूपन तक नहीं मिला। तो वो अपना विकास सिर्फ देखे या वो अपना विकास, अपने बाल बच्चा के विकास, अरबपति बना दिए, अपने बेटी के शादी में समझिए 50 लाख रुपया खर्चा के कहा उनका उतना प्रॉपर्टी है का, 50 लाख रुपया खर्चा के कहा उनका उतना प्रॉपर्टी है का है? उनका दादा का कई कट्ठा जमीन था, आज उनका प्रॉपर्टी कितना है, यही इंक्वायरी करे सरकार। फिर आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो ऐसा आदमी हो कि गांव का विकास करे, गांव का ऊपर उठावे, नवयुवक को यानी कि
आगे बढ़ावे के लिए कुछ नहीं हुआ। पिछला 3 वर्ष से जो है हम लोग इस पानी से जूझ रहे हैं और तीनों बार हम लोग जो है सभी प्रत्याशी के पास गए पर इस पर जो है किन्हीं आदमी कोई एक्शन नहीं लिए हैं बस। और अभी चुनाव आया है तो आ रहे हैं, बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए तो मैं आपके लिए रास्ता निकाल। इसमें इस मोहल्ले में कम से कम 100 घर है जिसकी आबादी कम से कम समझिए 350 के आसपास है। सभी लोग रास्ते के लिए जो है हमेशा डिमांड करते हैं, लोग कहते हैं कि मैं आपको रास्ता निकाल। मोकामा बरहेपुर पंचायत में बाढ़ राहत राशि वितरण में बड़े पैमाने पर धांधली के मामले उजागर हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरहेपुर पंचायत का वार्ड नंबर 8 गंगा नदी के उफान से डूबा हुआ था, मगर राहत राशि सूखा प्रभावित वार्ड के लोगों को दी गई है। पीड़ित लोगों को राहत राशि नहीं मिलने से भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोप है कि चंद दलालों ने मोटी रकम लेकर राहत राशि वितरण में अहम भूमिका अदा की है। दूसरी ओर ग्रामीणों से हुए घोटाले की जांच की मांग की गई है। राशि वितरण में बड़े पैमाने पर धांधली उजागर हो रही है। जिन लोगों को राशि मिलनी चाहिए थी उन्हें राशि नहीं दी गई है, जबकि जिन्हें राशि नहीं मिलनी चाहिए थी उन्हें पैसा मिल गया है, जिसकी वजह से अब जांच के मांग भी की जा रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह धांधली हुई है उन पर कब तक कार्रवाई होगी। दक्षिण से ही पार दुर्गा स्थान से ही पार 8 नंबर वार्ड पूरे डूब गया और डूबने के बाद भी जब फंसा यहाँ आया कि 6-6 हज़ार रुपया मिलेगा वो नहीं मिला, घूस पर पैसा मांगता है कि 1-1 हज़ार देंगे, उसके बाद पैसा मान लिया कि तब पैसा दिलाएंगे। गंगा जी में पानी एलखिन, हमारे घर के घर डूब गया, खेत डूब गया, बिच्ची डूब गया, बैंगन आर डूब गया, एगो बकरी के बच्चा मर गया और सी ओ साहब हमारे के 1 रुपया नहीं दिलक। अब हम की करिए, डूबे नहीं कर ले 8 नंबर। बोकारो के गोसाईडीह जोरिया में गिट्टी का चूर लदा एक ट्रैक्टर पलट गया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई, जिससे चालक और उसमें काम कर रहे लेबर बाल बाल बच गए। आपको बताते चले, ट्रैक्टर जोरिया के बने पुलिया में फंस करके झूलता नहीं तो घटना घट सकती थी। बताया गया कि तीसरी घटना है, पुलिया नीचे होने के कारण अक्सर यहां पर घटना घटती रहती है। गिरे ट्रैक्टर को उठाने का काम किया जा रहा है। गाड़ी चढ़ने के समय शायद ब्रेक फेल हो गया, इस कारण से गाड़ी ब्रेक नहीं लेने के कारण इस कारण से गाड़ी पलटा हुआ। और इधर मानो लेडीज जेंट्स बहुत बहुत नहाती है, एक तो लेडीज सब बच गई है, पलटने इधर अगर पलटा तो बच जाता, मैंने बच गई, इधर हो गया। ऊपर वाला का रहम है कि इधर हुआ, इधर होने से तो कुछ ना कुछ हानि कर दो। नालंदा के भीमसेन पर गांव में मंजीत कुमार की पत्नी सुगनी देवी की मौत हो गई। ससुराल के परिवार वाले इस घटना को फांसी लगाकर खुदकुशी बता रहे हैं, जबकि मायके के परिजन दहेज को लेकर हत्या करने की आशंका जता रहे हैं। वहीं सूचना पाकर आई पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मायके के परिवार ने बताया कि ससुराल वाले परिवार में दहेज में बाइक की मांग कर रहे थे, मांग पूरी नहीं होने पर सुगनी की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस जांच में को गुमराह करने की मंशा से शव को फंदे से लटका दिया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि लिखित शिकायत मिलने पर केस दर्ज करके पुलिस कार्रवाई करेगी। मेरा दमाद का आदेश के अनुसार मेरा बच्ची को मार दिया, उसका पूरा परिवार ने कौन मारा, ससुर मार दिया। मधुबनी जिले के हुराई गांव में पेड़ से लटका हुआ शव बरामद हुआ, जिसे देखकर ग्रामीणों ने इसकी पुलिस को सूचना दे दी। हरलाखी पुलिस सूचना पाते ही दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भिजवा दिया गया। वहीं ग्रामीणों की माने तो घटना पारिवारिक कलह की वजह से हुई है, पुलिस इस घटना की तफ्तीश में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस घटना का खुलासा कितनी जल्द होता है, साथ ही साथ दोषियों को पकड़कर जेल भेजने में सफलता कब तक मिलती है। बिहार के पूर्वी चंपारण में बड़ा हादसा हुआ। सिकरहना नदी में नाव पलटने से 22 लोग की डूबने की खबर जिले में सनसनी फैल गई। वहीं घटना के बाद 8 लोग तैरकर बाहर निकल आए। ग्रामीणों की मदद से एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है, 5 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। डूबे हुए लोगों की तलाश गोताखोर द्वारा की जा रही है।
बाल्टी के पानी मुश्री थाना क्षेत्र के गंगापुर निवासी प्रताप कुमार की मौत संदेह के घेरे में है। परिजनों और ग्रामीणों ने कई तरह के आरोप लगाए, जिसके बाद मौके पर पहुंची मुसहरी थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि वाहन से धक्का देकर युवक को गिराया गया था, जिसके बाद गिरने से उसकी मौत हो गई थी। वहीं परिजनों का आरोप है कि जानबूझकर उसकी हत्या की नीयत से उसे गिराया गया। पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई थी, जिसके बाद मामले की छानबीन की जा रही है और जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कि जब व्यक्ति है रोड में लेके जा रहा था कहीं, ये जो ईंट बना हुआ है जी, और उसी वजह से साथ गिर के उसकी घटना हो गई है, यही हम लोग को सूचना मिली अभी तक। जो हम लोग के बस में रहेगा, जो हम लोग जितना अपना अधिकार है, जितना हो सकता है बाली सहयोग हो, उतना हम लोग करेंगे। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।